हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना मफिन्स। तो चलिए बताती हूँ ये कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। बहुत बनाना आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 केला ले लिया है, इसे छील लिया है हमने और इस तरीके के पीसेज में हम कट कर लेंगे बनाना को। और कट करने के बाद इसे हम बारीक हाथों से मैश कर लेंगे या इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम इसका एक पेस्ट मिक्सी में डाल के और तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं मिक्सी में घुमा लूँगी इसे, और हमने घुमा लिया है बनाना को, एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लिया है। तो एक बॉल में हम इसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर और घी, ये हाफ कटोरी हमने लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद से इसमें मैं 150 ग्राम चीनी, पीसी हुई चीनी ऐड करूँगी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच नींबू का जूस और वनीला एसेंस डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं एक छन्नी लूँगी और इसमें डालूँगी आटा, ये गेहूं का आटा है, मैं मैदा नहीं ले रही हूँ, ये 100 ग्राम आटा है। और इसमें 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों 1 टेबल स्पून लेके और मैं आटे के साथ छान लूँगी इसे। आप आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, बट मैदा की जगह पे आज मैं आटा ले रही हूँ। और इसे मैं इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करूँगी, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इस तरीके से इसे हमें मिलाना है। और इसमें मैं 1/4 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इसे भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टूटी फ्रूटी या कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नारियल बूरा डाल रही हूँ, 1/2 कप है नारियल बूरा। और इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूँगी और मिक्स करूँगी और इस बैटर को मैं चेक करूँगी, यदि ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा और मिल्क डालूँगी, नहीं होगा तो मैं उतना ही पे रहने दूँगी। तो आप मेरे बैटर को देख सकते हैं, इस तरीके का बैटर है, तो मैं इसमें थोड़ा मिल्क और डाल के मिक्स करूँगी। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे कटोरी, इस तरीके से हम कटोरी को वॉयल से ग्रीस कर लेंगे, वॉयल या घी या बटर किसी भी चीज़ से। फ्रेंड्स, आप इसे कटोरी या कप किसी चीज़ में बना सकते हैं, आपके पास इसका सांचा हो उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद से इसे मैदा से इस तरीके से कोट कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैदा से कोट करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम झाड़ के और जो एक्स्ट्रा मैदा को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं सारे कटोरियों में हमने ग्रीस करके मैदा का कोट कर दिया है। अब इसे हम बैटर से फिल करेंगे और हाफ फिल करना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी को फिल कर दिया है, दूसरी कटोरी को इसी तरीके से हमने चारों कटोरी को फिल कर लिया है। थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे डिप कर देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, वो निकल जाएं। और अब आप देख सकते हैं मैंने ये ग्लासेस लिए हैं, कॉफ़ी ग्लास, इसके अंदर मैं हाफ हाफ इसे भी फिल करूँगी और इसमें भी बना के दिखाऊँगी, इसमें भी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कटोरी ग्लास को भी हमने फिल कर लिया है हाफ हाफ। तो फ्रेंड्स, इस पे इसके ऊपर से आप टूटी फ्रूटी या किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं इस पे डाल रही हूँ नारियल का बूरा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और इस पे हमने नारियल से गार्निश कर दिया है, उसके बाद से थोड़ा सा किशमिश डाल दूँगी।
इस तरीके से। आपको ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में नमक रख के और हमने पहले से ही इसे गर्म कर लिया है, तो आपको दिखाती हूँ इसके अंदर नमक डाल के एक स्टैंड हमने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस पे छन्नी या प्लेट, कोई सा भी बर्तन आप रख सकते हैं कटोरी रखने के हिसाब से। तो मैं एक प्लेट रखी हूँ, इस पे कटोरी और ग्लासेस इसमें रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने रख दिया है। अब इसे कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 25 से 30 मिनट भी लग सकता है, आप बीच बीच में इसे चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब 25 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो एक नाइफ के मदद से मैं देख रही हूँ और ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो हो चुका है, अब इसे हम निकाल के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे निकालूंगी कटोरी के बाहर, तो फिर दिखाऊंगी आपको। तो अभी इसे ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है, ठंडा हो जाने के बाद निकाल के दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, तो एक नाइफ़ के मदद से इस तरीके से हम चारों साइडों से नाइफ़ को घुमाते हुए इसके साइड छुड़ा देंगे। उसके बाद से इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत बढ़िया बन के रेडी हुआ है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं कटोरी का भी निकाल के दिखा रही हूँ साइडों के, इस तरीके से चाकू के हेल्प से निकालते हुए पहले साइड छुड़ाएंगे हम, उसके बाद कटोरी पलट के इस तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना हुआ है और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाता है इसे, एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो आप देख सकते हैं ये सारी हमने बनाना अपने बना के तैयार किया हुआ है और बहुत ही स्पंजी बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, इसे तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ कितना स्पंजी है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बना हुआ है और बहुत ही इतना ही ये टेस्टी भी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।